हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एएनएम जी एन एम 2024। जैसा कि दोस्तों, जी एन एम में आपका 453 और एएनएम में 1800 सीट पे आपका एडमिशन होना है, वो भी मेरिट बेस पे, यानी कि हाई स्कूल और इंटर का जो एवरेज होगा परसेंटेज का, उसी के अनुसार आपका यहाँ पर सीट मिलने वाली है। जैसा कि रिजल्ट को लेकर आपको बताया था पिछली वीडियो में, रिजल्ट आपका 20 से 22 अगस्त तक आ रहा है रिजल्ट, और रिजल्ट आने के बाद आपको टाइम बहुत कम मिलेगा आपको एडमिशन कराने के लिए। तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं एडमिशन के समय, आपको जो एनएम के लिए एडमिशन डॉक्यूमेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि हाई स्कूल की मार्कशीट और प्रमाण पत्र होना चाहिए, सेकंड नंबर पर इंटरमीडिएट 10+2 का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, और पहचान पत्र में आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक आपका आईडी होना चाहिए। सबसे ज़रूरी होता है आपका आधार कार्ड, अगर आपका आधार कार्ड हो तो इन सब आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसके बाद है मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सेवारत एएनएम का अनुभव प्रमाण पत्र, यानी कि जीएनएम, अगर आप एएनएम किए हैं, आप जीएनएम करने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं उनका होना चाहिए अनुभव प्रमाण पत्र, यानी कि एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद है अंतिम संस्थान से प्राचार्य दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र, आपने जहाँ से भी एएनएम किए होंगे या 10+2 के बाद अगर आप ये कर रहे हैं, तो आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। और 6वें नंबर पर आपका है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके बाद है आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, EWS आर्थिक कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर आप EWS से फॉर्म कोटे से फॉर्म भरे हैं तो। उसके बाद अगर आप मतलब हैंडीकैप्ट विकलांगता प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, अगर आप मतलब जो लोग भरे होंगे। और 10वां पॉइंट है स्वतंत्रता सेनानी एवं भूतपूर्व सैनिक आश्रित प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर वो इस लोग कोटे से भर रहे हैं तो उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एएनएम एडमिशन डॉक्यूमेंट्स का। एएनएम में आपको करने के लिए जो कि हाई स्कूल और इंटर का हाई स्कूल मार्कशीट और प्रमाण पत्र होना चाहिए, और इंटरमीडिएट का भी मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, तो साथ में आपका पहचान पत्र में वही आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सबसे ज़रूरी है आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड रहेगा सब कुछ चल जाएगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद आपका चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, जहाँ से आप बारहवीं के होंगे वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र हो जाएगा, ले लीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र ले लीजिएगा, निवास प्रमाण पत्र ले लीजिएगा, EWS का आर्थिक कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र ले लीजिएगा अगर EWS कोटे से आप हैं तो। ठीक है, उसके बाद आप वही स्वतंत्रता सेनानी या भूतपूर्व सैनिक आश्रित प्रमाण पत्र, अगर इस कोटे से आप फॉर्म भरें तो यहाँ से आपको ये प्रमाण पत्र आपको चाहिए होंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका जीएनएम और एएनएम के लिए इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं एडमिशन के लिए, वो हमने आपको बता दिए। और रिजल्ट को लेकर बता दें, रिजल्ट आपका वही बताए हैं 20 या 22 अगस्त तक आपको रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। और उसके बाद जैसा कि पिछली बार बता दें, 2023 में भी हुआ था, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपका ऑनलाइन फॉर्म चला था, उसके बाद आपका 28 अगस्त को रिजल्ट जारी हुआ था। इस बार रिजल्ट आने में थोड़ा सा जल्दी होगा, यानी कि आप 20 से 22 अगस्त तक आप मांग के चल सकते हैं, आपका रिजल्ट आ सकता है दोस्तों। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, आप इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बहुत कम टाइम मिलेगा एडमिशन के लिए, मतलब रिजल्ट जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा उसके मतलब बहुत कम समय में आपको एडमिशन के वहाँ पर बुलाया जाएगा। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखिएगा एएनएम जीएनएम के लिए। और आपका बताया था कि पिछली वीडियो में परसेंटेज मतलब कैसे बनता है, जैसे हाई स्कूल में आपका 80% है, ठीक है, और इंटर में आपका 60% है, ठीक है, उसके बाद दोनों को जोड़ने के बाद 140 हो जाता है, इसको हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 70%। ठीक है, अगर किसी का होगा, मान लीजिए किसी का हाई स्कूल में 80% है, इंटर में 80% है, ठीक है, इनको हम जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, 160 यहाँ पर हो जाएगा, 160 को हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारा हो जाएगा 80%, ये हमारा परसेंटेज हो जाएगा। और जो आपको कट ऑफ बताया था, कट ऑफ वही रहेगा, मतलब जो एएनएम का थोड़ा स्लो रहेगा, जीएनएम का हाई रहेगा, जीएनएम का 87 से 90 के बीच में रहने वाला है, और एएनएम की बात करें तो एएनएम का वही 84, 85, 86 तक आपका कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, इसी तरह का अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। नमस्कार।